दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल को एक शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। केएल राहुल की तारीफ दुनिया भर में जमकर हो रही है। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में केएल राहुल ने धमाकेदार शतक जड़ा और उनकी इस पारी की बदौलत टीम इंडिया ने पहले दिन के खेल समाप्त होने तक 3 विकेट पर 272 रन का स्कोर खड़ा कर लिया और बेहद ही मजबूत स्थिति में पहुंच गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आईपीएल 2022 के ठीक पहले केएल राहुल ने जिस हिसाब से शतक लगाया है उससे ये लग रहा है कि इस बार होने वाले मेगा ऑक्शन में केएल राहुल सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। और चलिए हम आपको बताते हैं इस बार के होने वाले मेगा ऑक्शन में कितने में बिकेंगे केएल राहुल। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और केएल राहुल में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय टीम में केएल राहुल के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय टीम से शुभमन गिल के चोटिल होने के बाद उनको मौका मिला और इसके बाद तो उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी इस फॉर्म को उन्होंने साउथ अफ्रीका के दौरे पर भी बरकरार रखा। और अब वो इससे पहले हुए आईपीएल में उनके हर साल की तरह शानदार प्रदर्शन किया था और अपनी टीम पंजाब की तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 600 रनों का आंकड़ा पार किया। तो सबको बता दें दोस्तों कि केएल राहुल कई दिनों से आईपीएल में 600 का आंकड़ा पार कर रहे हैं और आज के खेली गई अपनी शतकीय पारी को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि वो इस बार के होने वाले मेगा ऑक्शन के लिए उन पर सबसे ज़्यादा बोली लगाई जाएगी और वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब केएल राहुल के शतक लगाने से पहले ही ऐसा माना जा रहा है कि वो आईपीएल क्लास के सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें लेकिन कि आज के दिन उनकी खेली गई धमाकेदार पारी के बाद तो सभी को ये यकीन हो गया कि इस बार केएल राहुल सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी होंगे और वो लगभग 25 करोड़ की भारी भरकम राशि में बिक सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि आईपीएल में वो लगभग 25 करोड़ की भारी रकम में बिक सकते हैं और ऐसा लग रहा है कि आईपीएल में शामिल हुए दो नई टीमें लखनऊ और अहमदाबाद उनको अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगी क्योंकि इन दोनों ही टीमों को एक कप्तान की जरूरत है और केएल राहुल इस भूमिका को अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। दोस्तों, केएल राहुल द्वारा लगाए गए आज के शतक के बाद भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को उसी की धरती पर हराने में कामयाब हो पाएगी क्योंकि टीम इंडिया आज तक साउथ अफ्रीका में एक भी टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब नहीं हो पाई है और वहीं इस बार के दौरे पर भारतीय टीम ये कारनामा करना चाहेगी जहां उसने बेहतरीन शुरुआत कर दी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आईपीएल 2022 के लिए केएल राहुल कौन सी टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।